नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। सभी ने डालते हैं ऐसी खबरों पर। सिद्धार्थनगर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 1148 दिव्यांगों को उपकरण बांटा। कार्यक्रम में दिव्यांगों के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा कोविड-19 के वैक्सीन पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि विपक्ष के लोग देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है, विदेशों से वैक्सीन के आर्डर आ रहे हैं, लेकिन लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह लोग देश के गद्दार हैं जो वैक्सीन पर वैज्ञानिकों को के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वहीं विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पिछले 6 सालों से जब देश में भाजपा की सरकार आई है, दिव्यांगों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डुमरियागंज में इतनी संख्या में उपकरण दिव्यांगों को दिया गया है। वहीं उन्होंने 50 दिव्यांगों को विधायक निधि से इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर साइकिल देने की बात भी कही की है। पिछले 6.5 वर्षों से जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से दिव्यांगों के बारे में एक तो सम्मान का काम किया गया कि इनको दिव्यांग विकलांग के जगह पे कह दिया गया। तब से दिव्यांगों के बारे में गंभीरता पूर्वक सरकार ने विचार किया और इनके लिए योजनाएं लागू की। मेरे ख्याल से जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि आज के पहले डुमरियागंज विधानसभा और तहसील में 1148 दिव्यांग बंधुओं को उपकरण नहीं उपलब्ध हुए होंगे, और इसी के साथ यहाँ के जो ट्राई साइकिल वाले लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको 70-80% से ऊपर जो दिव्यांग हैं, तो हम लोगों ने यह तय किया है कि जैसे ही विधायक निधि आएगी तो उसके पहले मेडिकल परीक्षण इनका हो जाएगा। मेडिकल परीक्षण के बाद हमने घोषणा भी कर दिया है कि 50 लोगों को जो केंद्र और प्रदेश के बाद जो पैसा धनराशि देनी है वो अपने विधायक निधि से देंगे, और आवश्यकता होगी तो सांसद जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम भी देंगे। वो लोग देश की छवि को दुनिया में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जो पहले अभी आप भी आपके माता पिता हम लोग कहते थे कि भैया ये अंग्रेजी दवा लेते आओ, ये जितनी दवाएं एलोपैथिक की मिलती थी इन दुकानों को लोग अंग्रेजी दवा की दुकान कहते थे। और उस देश ने अगर आज कोविड-19 के इस देश के वैज्ञानिकों ने सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत बायोटेक ने आविष्कार कर लिया हो, उस कोविड वैक्सीन में 3 करोड़ जो कोरोना के योद्धा हों उनको लग रहा। कल से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, कल खुद योगी जी उस सेंटर पे गए थे। कल सिद्धार्थनगर में 4 जगह ब्लॉकों पे 100-100 लोगों को, मैं खुद बांसी PSCSC पे गया था, मेरे सामने वहाँ पे लोगों कोरोना वायरस को टीका लगना शुरू हो गया। और यहीं तक नहीं कि 3 करोड़, हम देश के आने वाले दिनों में सभी को की ज़िंदगी की सुरक्षा करने के लिए कोरोना का वैक्सीन देंगे। लेकिन इस बीच में भी 3 करोड़ वैक्सीन के डोज की ब्राज़ील से आर्डर आया है, फिलीपींस से आया है। तो आज हमारे दवा की मांग, वैक्सीन की मांग दुनिया के मुल्कों में शुरू हो गई। दुनिया से डॉलर आएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वो लोग देश के गद्दार हैं जो भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए हुए वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनकी आलोचना करता हूँ।